नमस्कार, मैं शिवेंद्र। लाइव लगातार में आपका स्वागत है। आज प्रदेश भर में कई आपराधिक घटनाएं हुई। इन वारदातों ने विभिन्न इलाकों में सनसनी फैलाई। इन्हीं खबरों के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह हैं। आइए उनसे जानते हैं आज दिन भर की प्रदेश की आपराधिक घटनाएं। जी सौरभ, राज्य भर में आज कई आपराधिक घटनाएं हुई हैं, जिनमें प्रमुख घटनाएं हैं। सबसे पहले राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र स्थित रलहातू में एक युवक का शव बरामद हुआ था। युवक के शरीर पर गहरे जख्म के निशान थे और युवक जमीन कारोबार से जुड़े हुए थे। इस मामले में आशंका जताई जा रही है कि जमीन कारोबार को लेकर ही युवक की हत्या कर उसके शव को नदी के किनारे फेंक दिया गया था। दूसरी प्रमुख घटनाएं हैं, 28 जुलाई से माओवादियों का शहीद सप्ताह शुरू हो रहा है, जो 3 अगस्त तक चलेगा। इसको लेकर राज्य भर की पुलिस अलर्ट है। पिछले 40 महीनों में राज्य के अलग अलग जिलों में पॉक्सो एक्ट के 889 मामले लंबित हैं। देवघर पुलिस ने 15 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए अपराधियों के पास से 21 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। रेमडेसिविर की जांच करने के लिए एसआईटी की टीम डीएसपी के नेतृत्व में बोकारो पहुंची और वहां अस्पताल पहुंचकर कई कागजात की मांग किए हैं। प्रशिक्षण पूरा नहीं होने से राज्य भर के करीब 10,000 पुलिसकर्मी प्रोन्नति और एमसीपी के लाभ से वंचित हैं। इसको लेकर झारखंड पुलिस मैंस एसोसिएशन ने डीजीपी को पत्र लिखकर जवानों को उत्तीर्ण करने के लिए कहा है। क्राइम की खबरों में आज इतना ही। पढ़ते रहे लगातार.in और जुड़े रहे लाइव लगातार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।